हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं, वो है वेज कोते। वेज कोते आप किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप ये कढ़ाई में देख रहे हैं, वेज नाम से ही क्लियर है कि जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उन सबको आप थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मैदा और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लेके उसका अच्छा घोल बना लेना है। उसके अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कैप्सिकम है, कैरेट है और आपका फूल गोभी है, इनको कट करके कुछ इस तरह से तेल में डीप फ्राई कर लीजिए और उसे इस तरह निकाल लीजिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इसके लिए आपको और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो भी बता देती हूँ। वेज कोते बनाने के लिए आपको सबसे पहले इनको तल के निकाल लेना है। जैसे ये दूसरी कढ़ाई में आप देख रहे हैं, इसकी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। चटनी बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको टमाटो सॉस लेना है, उसके अंदर रेड चिली पाउडर मिक्स करना है, उसके साथ ही साथ जो आपकी हम यूज़ करते हैं तिल्ली, उसको भी सेक कर आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। जो भी हमारे चाइनीज़ आइटम में हम यूज़ करते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, वो सभी आप सारे सॉसेस का यूज़ करके, और सबसे मेन चीज़ जो इसमें डलेगी वो है शेज़वान चटनी। शेज़वान चटनी को लेकर आप इसमें अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, थिक पेस्ट बना लीजिए। फिर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमने वेज कोथे के लिए कोथे तैयार करे थे, इसे हमने इस चटनी में मिला दिया है और इसे अच्छी तरह मैश करना है। देखिए आप कितना स्पाइसी और कितना गुड लुकिंग दिख रहा है हमारा वेज कोथे। ये खाने में भी उतने ही डिलीशियस है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये। और इसे आपके घर में छोटे से बड़े जितने भी मेंबर्स हैं, सभी जन इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेज कोते की रेसिपी आपको कैसी लगी, बहुत ही कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बच्चों से लेके बड़ों तक सभी इसे पसंद करेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।